हेलो गाइस, क्या हाल चाल। नमस्ते और सत श्री अकाल। तो अभी अभी जस्ट मैं अपने जॉब पर से आया हूँ। मतलब अभी बजे हैं दोपहर के 2:30 और जस्ट अभी आया हूँ। और जैसे कपड़े चेंज किए, फेस वॉश किया, तो मैं सोचा कि स्टार्ट कर दिया जाए वीडियो और बता दिया जाए लोगों को कि अभी हम लोग न्यू जगह पे, मतलब नए ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हैं अभी से। और ये ट्रैवलिंग लगभग 7-1 दिन की होने वाली है, 6-7 दिन की। तो बने रहो, ये पूरा का पूरा सीरीज़ फिर से होने वाला है। मतलब 8-10 वीडियो जितने हो ही जाएंगे लगभग, क्योंकि 6-7 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब कंटिन्यू वीडियो शूट होते ही रहेंगे और अपलोड होते रहेंगे, कंटिन्यू शूट होते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। मतलब जस्ट ये मेरा घर यहाँ पीछे ही है। तो अभी पैदल पैदल जाना पड़ेगा बस स्टेशन तक, उसके बाद बस पकड़नी पड़ेगी और उसके बाद फटाफट भागना पड़ेगा मुझे वहाँ के लिए, स्टेशन के लिए, क्योंकि बज चुके हैं अभी 3 और मेरे को वहाँ जाने में 1.5 घंटे जितने लगेंगे। तो मतलब इतना टाइमिंग हो, बस अगर फटाफट पहुँचा देगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आज, ठीक है। अभी फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे और उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। चलो तो गाइस, अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ स्टेशन पे और ट्रेन मेरे सामने खड़ी हुई है। 8:05 पर इसका निकलने का टाइम था, लेकिन अभी निकली नहीं है और मैं अपने से पहुँच चुका हूँ। रिक्शे वाले भाई ने एकदम दिमाग ख़राब कर दिया, इतना स्लो गाड़ी चलाया उन्होंने कि क्या बोलूँ। तो चलो थोड़ी देर बात कर, ठीक है। सो गाइस, फाइनली बोरीवली स्टेशन पहुंच चुका हूं और बालों का हालत हो चुका है एकदम ख़राब और एकदम पूरी मट्टी मट्टी सी हो चुकी है। तो अभी चलता हूं, पहले लोकल ट्रेन की टिकट लेता हूं अपनी टिकट दिखा के, बाकी उसके बाद फिर चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। सो गाइस, ये हमारा टिटवाला का टिकट आ चुका है, बोरीवली से टिटवाला लोकल ट्रेन का। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मतलब अपने ट्रेन के अंदर। मतलब मैं लोकल ट्रेन में बैठ चुका हूँ टिटवाला के लिए। मतलब ये चर्च गेट तक जाएगी, तो मेरे को दादर उतरना है। दादर उतर के फिर मैं चेंज करूँगा, चेंज करके फिर दूसरे ट्रेन से अपने टिटवाला की तरफ डायरेक्ट निकल जाएंगे। दादर से मुझे ये वेस्टर्न लाइन है, मुझे सेंट्रल लाइन पकड़नी पड़ेगी टिटवाला जाने के लिए। तो अभी चलते हैं, ठीक है। सो फाइनली गाइस, अभी टिटवाला पहुंच चुका हूं। मतलब टिटवाला में ये रही हमारी लोकल ट्रेन जिससे मैं आया हूं और इसका लास्ट स्टॉप यही था। और अक्षय भैया को मैंने बोल भी दिया है कि आ जाओ, तो वो आ भी रहे होंगे, तो तब तक हम उस तरफ उतर जाते हैं जहां साइड वो आ रहे हैं, वो साइड आगे है, हाँ, तो वहां उतर जाते हैं, तब तक आ ही जाएंगे वो, क्योंकि 5 मिनट लगता है उनके घर से आने में बाइक से, ठीक है। अभी हम फाइनली जा रहे हैं अपने घर पे स्कूटी से। भैया ने लगता है दीपक कलाल का वो वीडियो देख लिया है और उसके फैन हो गए हैं, माँ करके, बराबर। तो अभी चलते हैं घर पे, फ्रेश होते हैं और आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं और मेरे ऑफिस से फ़ोन आ चुका है मुझे। तो मिलते हैं कल सुबह, ठीक है।
सो गाइस ऐसे ही देखते देखते तुरंत सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग मैं और भैया कल्याण स्टेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, टिटवाला से कल्याण स्टेशन पे आ चुके हैं और अभी यहाँ से हमारी ट्रेन है 9:05 पे, उद्यान एक्सप्रेस है और जिसका गाड़ी नंबर है 01301 है ना, हाँ 01139 नहीं है 01301 हाँ तो अभी आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, आधे घंटे वेट करके फिर निकलते हैं बेंगलोर के लिए। ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं बेंगलोर और लगभग 6 दिन का हमारा वहाँ पे स्टे है, फिर उसके बाद रिटर्न होंगे हम वहाँ से। और अभी तक रिटर्न आने का ट्रेन का टिकट अभी तक निकला नहीं है, देखो अभी अक्षय भैया जो करवाएं वो। अभी इनका दिवाली के बाद भी रुकने का मन है ऐसा तो बात अलग है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। गाइस अभी आप लोग बहुत देर बाद देख रहे हो कि मैं है ना 7 घंटे बाद मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, मतलब फिर ब्लॉगिंग चालू किया हूँ। तो इसके बीच कुछ ऐसा हुआ था कि जब हम वहाँ रुके थे कल्याण स्टेशन पे, हम आधे घंटे पहले तो पहुँच गए थे बट जो ट्रेन है वो आने वाली थी 6 और 7 नंबर पे दिखा रहा था बट अचानक से चेंज हुई और वो आई 4 नंबर। तो उसकी वजह से हमारा जो शेड्यूल था थोड़ा बिगड़ गया, तो भागा दौड़ी में जस्ट छूटने वाली थी ट्रेन तो हम लोग पकड़े और उसके बाद ऑफिस से कॉल आया भैया को और मुझे थोड़ा एक काम करना था और मुझे रिपोर्टिंग करनी थी, इनको एक एक्सेल फाइल बना के सेंड करना था तो उसमें बिजी हो गए, तो उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर आराम से थोड़ी देर सोए, फिर मैं बोला कि अभी है ना हमको मतलब ब्लॉगिंग चालू कर देना चाहिए। 16 आ चुके हैं अभी हम करंटली, ठीक है, और गाड़ी यहाँ पे 16 में रुकी हुई है और यहाँ पे 5 मिनट रुकेगी, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे की ओर। और कल सुबह ये हमको उद्यान एक्सप्रेस सुबह 6:30 हमको यालंका पहुंचा देगी, उसके बाद यशवंतपुर जाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी चलते हैं और घूमते हैं, कुछ खाने वाने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को मिलते हैं, दिखाते हैं कि क्या लिया क्या नहीं लिया। ठीक है, अभी यहाँ से हमको लेना है आलू सेव, लेते हैं एक आलू सेव और उसके बाद लेते हैं चाय, चाय पीने के बाद फिर कुछ आगे दिमाग चलेगा। आलू सेव, वेयर इज आलू सेव अंकल? तो गाइस चलते हैं, अभी अपना सीट दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस हमारा ये है 20 नंबर का सीट ये रहा, और एक यहाँ पे है 17 नंबर, दोनों विंडो साइड है। ये हमारा पानी का बोतल, चार्जर, आंटी आपका फ़ोन है ये? हाँ ठीक है, ओके मारा है, ये ऐसे ही पड़े हैं। फिर हम बाहर की ओर जाते हुए मस्त एकदम। गाइस तो अभी हम लोग गुलबर्ग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, यही हमारी ट्रेन है जो है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट का स्टे है तो हम लोग रुके हुए हैं और मैं और भैया बाहर आ चुके हैं, तो देखते हैं कुछ खाने को मिलता, पेट तो वैसे भरा हुआ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं रात का क्या सीन है। अभी यहाँ पे लेमन राइस मिलेगा, पॉलीग्रा मिलेगा, फिर हाँ कांदे के समोसे मिलेंगे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, तो
तब तक आप स्टेशन देख लो, ठीक है। तो गाइस अभी हमारा जो ट्रेन है वो वाड़ी जंक्शन पहुंच चुका है, वाड़ी जंक्शन। और यहाँ पे हमारे अक्षय भाई अंडे का कुछ ब्रेड ऑमलेट बनवा रहे हैं, तो वो बन जाए उसके बाद फिर हम लोग निकले, क्योंकि इधर 5 मिनट रुकने वाली है गाड़ी। यहाँ पे इसी जहाँ 5 मिनट रुकने वाली रहती है वहीं हम लोग उतरते हैं, ताकि थोड़ी देर घूमें बाहर उसके बाद फिर अंदर जाएँ। लेकिन अभी हमने ब्रेड ऑमलेट बनवाना चालू किया है, अभी देखो गाड़ी निकलने से पहले अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अंकल का घाटा होगा और हमको डांट सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या कैसा सीन होता है, उस हिसाब से आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेड ऑमलेट आ चुका है, और पहले इसका खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खा के हमको फटाफट अंदर भी जाना है, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। ब्रेड ऑमलेट के बाद फेंटा पीते हुए अक्षय भाई, और ये एक पानी का बोतल भी एकदम चिल्ड वाला ले लिया है बस, उसके बाद फिर केले भी खाने की इच्छा होगी तो ले सकते हैं हम, लेकिन अभी लेना नहीं है, सब एक साथ ही खा लेंगे तो बाद में क्या करेंगे। और अभी हो रहा है टाइम 8 और ट्रेन शायद जल्दी पहुंच गई, पता है। हाँ, 5 मिनट पहले पहुंची है, निकल भी गई। चलो ये देखो ट्रेन निकल भी चुकी है, यही है। चलो I'm just waiting for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. So guys, अभी finally बज रहे हैं सुबह के 7, और आधे घंटे लेट हमको ट्रेन यहाँ यालंका उतारी है, और हम लोग यालंका से अभी जाएंगे अपने हॉस्टल बाजू, या फिर पीजी बोलो या फिर रूम बोलो, जो भी बोलो, उस साइड जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, प्लेटफॉर्म पार करते हैं। नीरज बोला था आएगा, लेकिन अभी सोने लगा, उसकी आदत मुझे पता है, एक बार सो गया ना तो फिर उठने का नाम नहीं लेता। इसके लिए अभी फ़ोन किया था तो बोलता है कि नहीं है, आ जाओ ना, डायरेक्ट घर पर ही मिलते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए, और उसके बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं। ओके ओके माँ माँ चल।